अपने हौसले को जज्बा बनाकर सोने का तमगा जीतने वाली स्मृति शर्मा, जो चन्नग्रां की रहने वाली है और उसने जम्मू में हुई JKUT डेडलिफ्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर सोने का तमगा जीता। ये वही स्मृति शर्मा है जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी गोल्ड मेडल जीता। बताता चलूं कि इसके माता पिता ने काफ़ी सपोर्ट, खुद स्मृति शर्मा बताती हैं कि सबसे ज़्यादा मेरे पापा जी ने मुझे मेहनत करवाई और मैं सोचती थी कि मैं पढ़ाई के साथ साथ एक अलग मुकाम हासिल करूं जिससे कि दुनिया मुझे जाने, और आज सोने का तमगा जीता और मुझे अपने आप पर भी गर्व। आइए सुनते हैं स्मृति शर्मा से एक इंटरव्यू के दौरान उसने किन चीजों का जिक्र किया। रोशनी पांडे, मैं निवेदन कर सारे जेड़ा अज जेड़ा प्रोग्राम जेड़ा चला सारा अज भारतीय जनता पार्टी दा ध्यान है ते सारे मनो प्रधान राज सिंह जेड़े सारे ते बाकी सारे सारे मंडल दी टीम। साथियों अज सारे भारतीय जनता पार्टी दा स्थापना दिवस है। ठीक 1980 च पार्टी का जिहड़ा स्थापना दिवस होया, इहदे कोला पहले ये विचारधारा जिहड़ी है वो काम करती ही एज अ जनसंघ प्रजा परिषद के रूप च, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी है 1990 च सारे को पहले इहदी स्थापना 6 अप्रैल 1980 च इहदी स्थापना हुई है। और इहदे पहले पार्टी प्रेसिडेंट जिहड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और बाईपोल इलेक्शन होने से ये साथियों बड़ी एक मज़ेदार गल है कि सारे को पहले अगर कोई कमल का फूल कुतै खिड़िया वो हीरानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी च ठाकुर बलदेव सिंह जी के रूप में पहला कमल का फूल जिहड़ा है जीतिया। उसके बाद जिहड़े हैं अटल जी अडवाणी जी दो साढ़े मैंबर पार्लीमेंट होए कि जिहड़ा ये प्रोग्राम जिहड़ा हर साल जिहड़ा है 6 तरीक अस मनाने होने हैं स्थापना दिवस जिहड़ा पार्टी का मनाने होने हैं। ये जिहड़ा पार्टी का प्रोग्राम है ये अज सिर्फ मरीन मंडल विच नहीं होआ दा, ये अज प्रोग्राम पूरे देश विच होआ दा, ते अज गल है कि दिल्ली भी होआ दा, सारी जगह सारे मंडलें भी होआ दा प्रोग्राम। ये अज बड़ी बड़ी खुशी की गल है कि जिहड़ा पार्टी का स्थापना दिवस जिहड़ी होआ दी है अज साडा मरीन मंडल विच जिहड़े आए हैं नुमाइंदे जिहड़े चुने दे आए हैं, मैं सारे की गल है धन्यवाद करना। जिहड़ा ये पार्टी का स्थापना दिवस जिहड़ा असें मनाने रली मिलिया मनाने हैं, गल है कि जिहड़े साढ़े बजुर्ग जिहड़े साडे पार्टी दे नेता है जिहड़े इस पार्टी ताईं अपनी जान जिहड़ी है नुशावर कीती ही, गल है कि उनकी जिहड़ी देन ही जिहड़ी इन्हें पार्टी जिहड़ी जोड़ी ही, अज्ज पार्टी साडी बड़ी दूर पुजी है। अज्ज पूरे देश विच जिहड़ा भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा आया अज्ज झंडा जिहड़ा लहरा दा आया। मैं तुसें एक भी चीज़ सुनाना चाहना कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है तुसें 1980 की भारतीय जनता पार्टी फाउंडेशन डे जी आ गए ना, अज के दिन भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी तो ताइयों ये केंद्र की तरफा का आदेश भी मिलता हर एक बूथ पर जाइए हर एक पोलिंग स्टेशन पर जाइए भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान खुद जो उदत होया वा ये झंडे ने जो हर एक बूथ पर जाइए लाओ। तो वाकई होया भी है प्रोग्राम हीरानगर का पता नहीं कि अपने अपने मंडल का पता होता है, अपने मंडल से हर एक बूथ पजाई भी उड़े तो दवाई भी उड़े अज के मेहमान साढ़े DDC मरीन मंडल के ब्लाक के DDC काफ़ी जुजारू लीडर ने साढ़े काफ़ी गरीबें मसीहा ने करण कुमार अत्री जी इंदे कन्नै साढ़े बैठे गए सुनील कुमार सुनील जी मैं कोई ज्यादा भाषण नहीं करना आए दे मेहमानों का बड़ा बड़ा शुक्रिया अज सारे लोगों बरत भी रखे देना मैं चाहना कि आने वाले समय के भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया आखिर क्या किया सारी जमीन निकलियां वो दिन याद करो जिस वे महबूबा मुफ्ती ने जिला सरकार जम्मू कश्मीर बैठी हुई थी उस वे आख्या एक आर्डर पास किया जिथे भी कोई बंदा गुजर बैठी आग तो उ पक्का मालक बनी आग आखिर ने आख्या
तो उसने लोग डरे हे कह डरे हे तो महाराज सारी जमीन निकलिया नहीं जमीन कुछ नहीं निकलिया जमीन उदिया निकलिया जिंदे को दो चार सौ मेरे पता जी आख्या जिंद को ज्यादा जमीन है अगर सू स्टेडियम की जरूरत है तभी सरकारी जमीन मुला ऐसा कोई कोई चीज बनानी खोड़िया अगर स्टेडियम बनाना कोई अस्पताल बनाना मुला नहीं खोड़े सरकारी जिन्हें जमीन मंडिया अज का है एक संकल्प लिए अच्छे जाने जम्मू कश्मीर के फिफ्टी प्लस नारा दिता भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर ताइया सदी है अज इस बतालीवां जो पार्टी का स्थापना दिवस है अब सारे लोग संकल्प ले जाना तो जब भारतीय जनता पार्टी फिफ्टी प्लस नारा है अब इस संकल्प ही अगर बता दें अब सारे लोग संकल्प लेना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगली बनग मेन एजेंडा है कि साड़ी जी पार्टी की अपना जन्मदिन मनाने ना इतना अच्छा पार्टी का जन्मदिन के समझो स्थापना दिवस के स्थापित ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਬੜਾ ਬੜੀ ਜੜੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਮੰਡਲ ਲੈਵਲ ਹਰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲੱਡੂ ਵੰਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ੂਰ ਚ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾ ਦੇ ਔਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਬੁਸ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਰੋਡ ਬਣਦਾ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾੜਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਡ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਗਾ ਸਭ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੱਭਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਡੀਡੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਸੂਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਰੋਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਬੀਏ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਲਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਲਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਅੱਜ ਹਮਨੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਜੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਖਾ ਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਔਰ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਹੋੜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਖਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਬੱਬਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋਗਾ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਥਾ ਉਸਮੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲੇਕਰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਨਿਕਾਲੀ ਔਰ ਜੇ ਝੰਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਨਕੇ ਛਤੋਂ ਪਰ ਵੀ ਇਹ ਹਮਨੇ ਝੰਡੇ ਅੱਜ ਲਗਾਏ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਇੱਕ मतलब जोश है और जोश के साथ ही आज इन्होंने नारेबाजी करते हुए एक रैली निकाली है। क्या कहना चाहेंगे आज मोदी जी ने भी दिल्ली में ये स्थापना दिवस मनाया है तो उनका क्या संदेश यहाँ रहा और आपने क्या लोगों को संदेश दिया? देखिए आज यही एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं है किसी के पास भी क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जो हमारी सुरक्षा रक्षा और हमें जो जितने भी गरीब लोग हैं उनका जो पूरा ख्याल रख सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये गरीब के हित की पार्टी है और मैं यही आज चाहता हूँ कि जितने भी हमारे लोग दाएं बाएं कहीं भटक रहे हैं उनको ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हुए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई जी का साथ देना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि नरेंद्र भाई ही एक हमारे मोदी साहब ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे आज वर्ल्ड में देखो तो उनके मुकाबले में कोई बंदा नहीं है, नंबर वन पे वो चल रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी के जो भी जितने भी कार्यकर्ता आज उन्हीं को ज्वाइन करके उनको सबको साथ लेकर हमें चलना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। आम आदमी पार्टी का प्रचार जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लोग शामिल हो रहे हैं, क्या बीजेपी पर इसका कोई असर पड़ेगा? कहाँ आम आदमी पार्टी, इधर तो हमने कहीं सुना नहीं तो हमारे यहाँ कोई ज्वाइन आपको इलेक्शन में दिख जाएगा कौन आम आदमी पार्टी, कहाँ आम आदमी पार्टी, ये कुछ नहीं है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में। इनका मैं आपको बताना चाहूँ तो हर जगह इनकी जमानत जब्त होगी जो भी इलेक्शन लड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं आम आदमी पार्टी का, यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र भाई मोदी है।